हेलो गाइस, दिस इज तरुण सुनकर और आज हम ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोई भी स्टॉक ब्रोकर का उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा और आप भी ब्रोकरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। और गाइस, मैं इस वीडियो में कोटक सिक्योरिटीज से ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको मैं समझाने वाला हूँ। गाइस, आप यही प्रोसेस आप कोई भी स्टॉक ब्रोकर का ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको आप यही प्रोसेस से अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गाइस, आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको कोटक सिक्योरिटीज से या HDFC सिक्योरिटीज से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक आ रहा होगा, आप उस लिंक को क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। या तो गाइस, स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा होगा, नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब गाइस, बात करते हैं कोटक सिक्योरिटीज के ब्रोकरेज प्लान का। तो गाइस, कोटक सिक्योरिटीज में हमारा दो ब्रोकरेज प्लान है। एक तो होता है सिंपल ब्रोकरेज प्लान जिसमें आपको 20 रुपया बाई करने का लगता है और 20 रुपया सेल करने का लगता है। गाइस, अगर आपका ब्रोकर या कोटक सिक्योरिटीज वाले 20 रुपये से ज़्यादा आपसे ब्रोकरेज चार्जेस कर रहे होंगे तो आप अपने ब्रोकर से या डायरेक्ट कंपनी से बात करके, कस्टमर केयर से बात करके आप अपना ब्रोकरेज कम करवा सकते हैं। मेरे जितने भी क्लाइंट हैं वो 20 रुपये में ही अपना काम करते हैं, उससे मैं 20 रुपये ही चार्जेस करता हूँ। और गाइस, कोटक सिक्योरिटीज का होता है सेकेंड प्लान जिसको हम बोलते हैं ट्रेड फ्री प्लान। सो गाइस, ये तो हुई हमारे ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में बातें कि आपको 20 रुपये का चार्जेस आपसे आपका ब्रोकर चार्ज कर रहा है या कोई स्टॉक ब्रोकर जो है आपसे 0 रुपीस में काम करवा रहा है। तो गाइस, यहाँ तक तो ठीक है, बट हमारे कुछ बिगिनर या रिटेल ट्रेडर को ये नहीं पता या उन लोग का एक क्वेश्चन आता है कि आपका जो 0 ब्रोकरेज है या 20 रुपये का ब्रोकरेज है इससे ज़्यादा हमारा ब्रोकरेज क्यों लग रहा है। तो गाइस, आज इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एक्स्ट्रा चार्जेस और क्या क्या लगता है, जैसे GST हो गया, ट्रांजेक्शन चार्जेस हो गया, स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस हो गया, सेबी टर्नओवर चार्जेस हो गया, स्टेटिक चार्जेस हो गया, ब्रोकरेज चार्जेस हो गया। तो गाइस, इस चीज़ों के बारे में हमारे जो रिटेल ट्रेडर या इन्वेस्टर को पता नहीं होता है, तो आगे हम इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूंगा गाइस कि इसको आसान तरीके से समझाने का ताकि आप भी अपना ब्रोकरेज आसानी से कैलकुलेट कर सकें। सो गाइस, चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम इसको एग्जांपल से समझेंगे ताकि हमको अच्छे से क्लियर समझ आए। सो गाइस, एक ट्रेडर है, उसने क्या किया, 20,000 वाले स्टॉक का 2 शेयर ले लिया। तो यहाँ से हमारा एक टर्नओवर निकल के आता है 20,000 × 2 = 40,000 का टोटल माल उसने उठाया, मतलब कि 40,000 का उसने शेयर उठाया। अब क्या हुआ, 2 घंटे के बाद सपोज उस शेयर का भाव जो है 30,000 हो गया, तो अब उसने शेयर जो है सेल करने का मन बनाया। अब उसने शेयर को सेल कर दिया 30,000 के भाव पे, तो 30,000 × 2 = 60,000 का यहाँ से हमारा टर्नओवर और निकल गया। तो हमारा टोटल जो टर्नओवर हुआ वो हुआ 1,00,000 का। सो गाइस, यहाँ तक तो ठीक है कि आपको जो ब्रोकर है वो आपसे बाई करने का 20 रुपये ले रहे हैं और सेल करने का 20 रुपये चार्जेस ले रहे हैं, या कोई कोई स्टॉक ब्रोकर आपसे 10 रुपये भी लेता है या कोई आपसे 0 रुपये पे भी काम करवा देता है। बट गाइस, अब अदर चार्जेस जो है हमारे सेबीज का चार्जेस, हमारे STT चार्जेस, स्टाम्प चार्जेस, ये सब चार्जेस कितने लगते हैं उसको हम स्टेप बाई स्टेप समझने वाले हैं। तो गाइस, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, आपको वीडियो से जरूर कुछ सीखने को ही मिलेगा। सो गाइस, आपको इस प्रकार का एक पेज या PDF आपको दिखाई दे रहा होगा, इस PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और इस PDF पेज को कह सकते हैं मैंने शायद डाउनलोड किया था जेरोधा के साइट पे। गाइस, ऐसी ही आपको PDF या साइट जितने भी स्टॉक ब्रोकर हैं उनके साइट पे आपको इजीली मिल जाएंगे। सो गाइस, जो ये वाला कॉलम है इससे हम डिलीवरी इक्विटी डिलीवरी कैलकुलेट करते हैं, ये वाले कॉलम से हम इक्विटी इंटरडे कैलकुलेट करते हैं और ये वाले कॉलम से हम इक्विटी फ्यूचर कैलकुलेट कर सकते हैं और ये वाले कॉलम से हम इक्विटी ऑप्शन कैलकुलेट करते हैं। सो गाइस, हमने क्या किया है, एक इंटरडे ट्रेडिंग किया हुआ है और उसमें हमारा टोटल टर्नओवर आया है लगभग 1,00,000 रुपये का।
तो हम इंटरडे के हिसाब से हमारा जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं उसको हम कैलकुलेट करते हैं। सो गाइस, पहले हम एसटीटी चार्जेस कैसे निकालते हैं उसको समझते हैं। तो एसटीटी मीन्स होता है सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है गाइस कि 0.025% ऑन द सेल साइड। तो हमारा सेल साइड का टर्नओवर कितना आया था, 60,000 गाइस, याद कीजिए। आपका हमारा जो है जो सेलिंग साइट का टर्नओवर आया था 60,000। तो हमको क्या करना है, 60,000 इंटू 0.025%। तो हमारा जो एसटीटी चार्जेस आ रहा है यहाँ से 15 रुपये। देन हमारा जो है ट्रांजेक्शन चार्जेस रहेगा वो रहेगा 0.00345% इंटू टोटल टर्नओवर। तो हमारा टोटल टर्नओवर था 100,000 रुपये इंटू 0.00345%। तो हमारा गाइस टोटल यहां से ट्रांजेक्शन हो रहा है 3.45 रुपये। सो गाइस, अब हम देखते हैं जीएसटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें 18% ऑन ब्रोकरेज प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस। सो गाइस, 18% प्लस हमारा जो ब्रोकरेज था बाय एंड सेल करने का वो लगा था हमको 40 रुपये, और प्लस हमारा जो ट्रांजेक्शन है चार्जेस लगा था गाइस ऊपर में हमारा 3.45। तो टोटल गाइस यहाँ हमारा जीएसटी निकल के आता है 7.821 रुपीज। हमको यहाँ से जीएसटी लगभग 7.08 रुपये देना पड़ेगा। सो गाइस, अब हम देखते हैं कि सेबी चार्जेस कितना लगता है। तो गाइस, सेबी चार्जेस लगता है 1 करोड़ के पीछे आपको 10 रुपये। तो यहाँ हमारा टोटल टर्नओवर हुआ है 1,00,000 का। तो गाइस, हम डिवाइड कर देंगे 1,00,000 को 1 करोड़ से। तो हमारा यहाँ से टोटल जो सेबी चार्जेस निकल के आता है लगभग 0.01 रुपीज़। सो गाइस, अब हमारा लास्ट जो चार्जेस है वो है स्टाम्प चार्जेस। स्टाम्प चार्जेस में गाइस, अगर आप 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर या 1 करोड़ रुपए का बाई या सेल करते हैं शेयर को, तो आपको 300 रुपए स्टाम्प चार्जेस भरने पड़ेंगे। अगर आप 1 करोड़ रुपए से कम शेयर का टर्नओवर करते हैं या बाई या सेल करते हैं, तो आपको 0.003% इंटू जो बाई साइड का आपका टर्नओवर रहेगा उसका आपको चार्जेस भरना पड़ेगा। सो गाइस, हमारा जो है 0.003% इंटू हमारा जो टोटल टर्नओवर आया था 40,000 का आया था, तो 40,000 इंटू 0.003% करेंगे तो हमारा जो स्टाम्प चार्जेस यहां आएगा लगभग 1.02 रुपये का। सो गाइस, हमारा टोटल ब्रोकरेज रहेगा 40 रुपये हमारा ब्रोकरेज का जो हमारा ब्रोकर लेता है, 15 रुपये हमारा एसटीटी चार्जेस, और हमारा जो है ट्रांजेक्शन चार्जेस रहेगा 3.45, और हमारा जीएसटी रहेगा 7.81 का, और हमारा जो सेबी चार्जेस रहेगा 0.01 रुपीज़, और हमारा जो स्टाम्प चार्जेस रहेगा 1.2 पैसा। सो गाइस, हमारा जो टोटल ब्रोकरेज यहाँ बन के आता है 1,00,000 टर्नओवर के पीछे लगभग 67.48 रुपीज़। गाइस, ये और कम हो सकता है अगर आपका ब्रोकरेज जो है आपसे कम ब्रोकरेज चार्जेस करता है, और कोई कोई ब्रोकर जो है आपको 0 रुपए में भी आपका जो है काम करवा देता है या आपसे ट्रेड करवा देता है। तो गाइस, आपको ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस है, सेबी का चार्जेस है और स्टाम्प चार्जेस है, ट्रांजेक्शन चार्जेस है और जो सिक्योरिटीज चार्जेस है, ये तो आपको भरना ही पड़ेगा गाइस। सो गाइस, आई होप आपको जो है ब्रोकरेज कैलकुलेट करने आ जाएगा इस वीडियो के देखने के बाद। और अगर गाइस आपको समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर सकते हैं, मैं और कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो और अच्छे से समझाने का। सो गाइस, थैंक यू।